थैंक यू सो मच भैया तो पूरा देखने के लिए। और एंटमैन के इस वाले स्टेज को पूरा कम्प्लीट करने में मुझे मैक्सिमम 6 घंटे लगे हैं, और इसे मैंने कल रात को ही कम्प्लीट किया 2:30 बजे तक जाग करके। और हेयर ड्रॉ करने में मुझे अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, यानी कि अभी भी रियलिस्टिक बाल ड्रॉ नहीं कर पाता HB पेंसिल यूज़ करके, और HB पेंसिल इतनी डार्क भी नहीं चलती है, उसे डार्क चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर का अप्लाई करना पड़ता है बालों को ड्रॉ करते वक्त HB पेंसिल से। देखा मैंने स्केचिंग में 2 साइज़ की पेंसिल यूज़ करता हूँ, छोटी साइज़ की पेंसिल और एक उससे बड़ी साइज़ की पेंसिल। तो छोटी साइज़ की पेंसिल यूज़ मैं इसलिए करता हूँ ताकि मैं HB पेंसिल से 2H या फिर 4H इतनी लाइट शेडिंग ले सकूँ, और बड़ी पेंसिल का यूज़ मैं ज़्यादा डार्क शेडिंग के लिए करता हूँ, जैसे हेयर हो गए या फिर उसके कपड़े हो गए, इसमें बहुत ज़्यादा डार्क करना, तो मैंने बड़ी वाली साइज़ की पेंसिल का यूज़ कर रखा है। और उसके स्किन पे मैंने मैक्सिमम ज़्यादा जगहों पे तो छोटी पेंसिल का यूज़ किया, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा लाइट शेडिंग चाहिए थी इसलिए। तो अगर आप भी अच्छी पेंसिल से कुछ ड्रॉ कर रहे हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं इस ट्रिक को, कि पेंसिल की साइज़ को छोटी कर दोगे तो फिर उसकी शेडिंग लाइट हो जाएगी। इस वाले ट्रिक को आप HB पेंसिल से यूज़ कर सकते हो, अगर आपको HB पेंसिल से भी ज़्यादा लाइट शेडिंग चाहिए तो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और फ्यूचर में ऐसे ही HB पेंसिल रिलेटेड और स्केचेज देखने के चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे किसी और के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।